वहीं कपिल सिब्बल पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा हमला बोला और राम मंदिर पर सुनवाई टालने की कोशिश का आरोप लगाया। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी अभी कहा कि कांग्रेस चाहती है कि ये जो मामला है वो अगले चुनाव तक खींचता चला जाए, तो सुब्रमण्यम स्वामी भी इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में वकील नहीं बल्कि एजेंट के तौर पर बोल रहे थे सिब्बल। बाकी आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है सुब्रमण्यम स्वामी। मांग थी पहले वो इस पर इतराज किया कि मेरे कहने पर यह सुनवाई जल्दी हुई है और उन्होंने मेरी चिट्ठी जो प्रधानमंत्री को लिखी पता नहीं कहाँ से मिला उसको, उसने उसको भी सर्कुलेट किया कोर्ट में। तो मुझे लगता है कि ये कपिल सिब्बल तो सुन्नी वाकफ बोर्ड के वकील के रूप में नहीं कहा बोला, क्योंकि सुन्नी वाकफ बोर्ड भी जल्दी फैसला चाहती है, तो ये क्यों इसको देरी कर रहे थे। तो कांग्रेस की जो डर है कि जो हमने वायदा किया है वो पूरा कर देंगे ऐसा दिख जाएगा और इसीलिए किसी तरीके से इसको टाल दें।